हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ क्वींस एप्पल विद एग प्लांट। बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, बहुत ही मज़ा आएगा आपको खाने में और एक यूनिक रेसिपी है, आप इसे ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए, इसके लिए प्रिपरेशन क्या करनी है बताते हैं आपको। बता देती हूँ कि इसके लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्वींस एप्पल है, ये एक लेना है, और दो एग प्लांट लिए हैं मैंने। पर्पल कलर के होंगे तो भी चलेगा, लेकिन हमें लंबे लेने हैं ये, क्योंकि हमें इन्हें साबुत रखना है। खाली बीच में से चार फांक काटनी है, इसके भी हमें लंबे चार फांक काटने हैं। ये प्रोपोर्शनेट है ओनली फॉर टू पीपल। हमने यहाँ पे और लेना है एक चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच या उससे भी कम हल्दी पाउडर, ये है सौंठ पाउडर, ये हमें लेना है आधा चम्मच, और नमक स्वाद अनुसार। ये दालचीनी है छोटा टुकड़ा, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और तीन लौंग। लहसुन और अदरक का पेस्ट मैंने यहाँ पे लिया है, ये ऑप्शनल है। और प्याज मैंने पीसा हुआ लिया है, ये भी ऑप्शनल है, ये एक प्याज है। अब इसमें खास एक सामग्री और जाएगी, और वो है ये सौंफ। सौंफ का पाउडर हमें बनाना है। सौंफ पाउडर है, ये आएंगे दो तीन काली मिर्च और थोड़ा सा ज़ीरा, क्योंकि हम दो के लिए प्रोपोर्शन बना रहे हैं, इसलिए बस इतना ही हमें सामग्री। इसे पहले ड्राई रोस्ट करना है, और ड्राई रोस्ट करने के बाद इसके पाउडर बना देना है, और बाद में हम इसको ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो चलिए इसका हम प्रोसेस कर देते हैं, आपको बताती हूँ कैसे बनाना है। इंच की हम सारी छाल इस तरह से उतार देंगे, इसे सारे अच्छे से पतली पतली छाल हमें उतार देनी है इसकी। देखिए, ये हमने दो भागों में इसको काट लिया है। अब हम इसके करेंगे लंबे टुकड़े, और बीच में से जो भी इसके बीज होंगे वो हमें ज़रूर से निकाल लेने हैं। बीज बिल्कुल भी नहीं आने चाहिए, इसके हम करेंगे लंबे लंबे टुकड़े। अब यहाँ से देख लेते हैं, ये बीज है, ये बीच में से हम इसको कट करके निकाल लेंगे इस तरीके से। ओके, अब ये डन हो गया है। ये जो हमने एग प्लांट लिया हुआ है, ये लंबे लेने हैं, क्योंकि हमें इसे पूरा ही रखना है, हमें इसे कट नहीं करना है डाइसेस में या पीसेस में। इसके हमने स्टेम के थोड़े से रेशे इस तरह से निकाल लिए हैं, इस तरह से। हमें इसके स्टेम्स भी रखने हैं, ऊपर का जो पोर्शन पॉइंटेड पोर्शन है उसे हम थोड़ा सा कर देंगे कट। इसका मैंने ऑलरेडी कट किया हुआ है, यहाँ से जो भी ये रेशे हैं ये आप अच्छे से निकाल लीजिए, इसको रेशों को अच्छे से निकाल लीजिए इस तरीके से, ये नहीं होने चाहिए इसमें। अब हम करेंगे इसके खाली चार भाग, बीच में से केयरफुली हमें इसे पूरा ही तलना है, तो हमें बहुत ही केयरफुली इसके चार पीसेस करने हैं इस तरीके से। अंदर से देख लीजिए कि कहीं इसमें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, अच्छे से देखकर आप इसको पकाएंगे। यहाँ हमें मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ करना है, उसी में ये डिश पकेगी, और यकीन मानिए आपने आज तक खाई नहीं होगी, और जिन्हें भी खिलाएंगे उन्होंने भी आज तक खाई नहीं होगी, तो आप बन जाएंगे डिश स्टार जब भी आप ये बनाएंगे। तो अब हमने इसके पीसेस कर लिए हैं, अगर आपको ये पीसेस बड़े लगते हैं तो इसको आप और थोड़ा सा पतला कर सकते हैं, वैसे इसके पीसेस इतने तो होने ही चाहिए। हम ये बना रहे हैं सिर्फ टू पोर्शन, हो सकता है एक बंदा भी इतना खा जाए, तो ये टू पोर्शन है, खाली दो लोगों के लिए है। ये रोटी के साथ या परोठे के साथ खाने के लिए मैंने बनाया है। एक्चुअली इसको राइस के साथ भी, आप जीरा राइस के साथ भी खाइए, बहुत ही यूनिक टेस्ट है, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। देखिए, मसाले जो हमने सेकने के लिए रखे थे वो ऑलमोस्ट सिक गए हैं, बहुत ही सौंधी सौंधी खुशबू आ रही है इसमें। इसे हम इसी तरह हिलाएंगे और ये बंद कर देंगे गैस। चलिए, हमने गैस कर दिया है ऑन, और इसके ऊपर हमने चढ़ा दी है अपनी कढ़ाई। कढ़ाई को हम थोड़ा सा गर्म होने देंगे और उसके बाद तेल डालेंगे, क्योंकि मस्टर्ड ऑयल है तो उसे हमें बराबर से स्मोक करना है, नहीं तो उसमें कच्चापन रह जाएगा जो कि सब्ज़ी में भी आ सकता है। तो कई लोगों को इसका कच्चापन अच्छा नहीं लगता है। अब ये हो चुका है गर्म, अब हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल फ्राई करने के लिए, और उसे हम करने देंगे स्मोक। जितना फ्राई के लिए चाहिए उतना रखें, और उसके बाद मसाले के समय हम इसे निकाल देंगे। हम इसको अब थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कर देते हैं।
गरम हो रहा है तब तक हम अपना ड्राई रोस्ट किया हुआ मसाला पीस लेते हैं। अच्छे से गरम हो गया है तो अब हम अपने पॉइंट्स इसमें डाल देंगे फ्राई करने के लिए। हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है, सारे के सारे इकट्ठे डाल दें क्योंकि ये एक पोर्शन ही है, इसलिए इस तेल में अच्छे से आ जाएगा। इसे हिला लीजिए, मीडियम फ्लेम पे इसे करेगा, तेज फ्लेम में करेंगे तो ये जल जाएंगे। हल्के हाथों से इन्हें घुमाइए, इतने सॉफ्ट होते हैं कि टूट जाएंगे। हमें बिल्कुल भी नहीं तोड़ना है, मैं बहुत ही केयरफुली आप दोनों साइडों से सेक लीजिए। हो गए हैं ऑलमोस्ट तैयार, खूबसूरत से बहुत ही खूबसूरत तल रहे हैं ये। हम इन्हें निकाल लेते हैं अच्छे से ताकि ये टूटे ना। इसे निकाल लिए सारे और अब आती हूँ एक प्लांट की बारी। एक प्लांट को हम पूरा ही तलने डालेंगे इस तरीके से, इसे हमें पूरा तलना है। एक ही साइज के एक प्लांट लें तो अच्छे से तलेंगे भी, क्योंकि पलटते समय टूटने का खतरा रह सकता है, इसलिए हम साइज के जो तेल है वो इनके ऊपर ऐसे स्लैश करेंगे। इसके स्टेम्स हमने इस पर रखी हुई है क्योंकि हमें इसे पकड़ के खाना है, तो हम इसके ऊपर तेल डाप करते रहेंगे इस तरीके से ताकि ये ऊपर से भी पक जाए और पलटते समय टूटे ना। बहुत ही डेलिकेट है, हमें इसे पूरा रखना है, इसलिए जब इसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं तो दो दो करके ही डालें और प्रेफरेबली एक ही साइज़ के, वो तो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। हो गए हैं रेडी, बहुत ही केयरफुली हम इन्हें उठाएंगे। देखिए कितने अच्छी तरह से सेक रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर सब्ज़ी को हमें पलटने की ज़रूरत पड़े, कुछ टेक्निक्स ऐसी भी यूज़ कर लेनी चाहिए जहाँ पे पलटे बिना भी पूरे से सब्जी पक जाए। हमने तेल इसमें से निकाल लिया है और जितना रिक्वायर्ड है उतना ही रखा है। यहाँ पे हम अपने ये गरम मसाले डाल देते हैं। बी केयरफुल, लौंग फूटता है तो ज़रा दूर हट जाए। तो हम यहाँ पे डालेंगे हींग फटाफट, हींग नहीं तो हमारी जल सकती है। हींग को भी हम थोड़ा सा जला लेंगे और उसके बाद हम डालेंगे। प्याज से जो प्योरे हमने किया था वो डालिए, वो ना डालना चाहिए तो आप डायरेक्ट ऑयल में इसके मसाला कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा ऑयल आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा क्योंकि उसमें मसाले गलाने पड़ेंगे आपको प्रॉपरली। इसे हम जैसे रेगुलर गलाते हैं वैसे ही गलाना है प्याज को। आयरन की कढ़ाई में बनाने का फ़ायदा ये है कि हर एक व्यंजन में जो है हमारे आयरन आ जाता है, तो मुझे पसंद है आयरन की कढ़ाई में बनाना। प्रोसेस होगा वो सारा प्रोसेस बहुत ही फास्ट होगा। ये हमने डाल दिया है यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट, इसी के साथ हम डालेंगे यहाँ पे जो सारे मसाले हमने रखे थे, ये सारे के सारे मसाले हम यूँ डाल देंगे इसमें और इन्हें हम गलाएंगे। सौंठ पाउडर, और सौंठ पाउडर बहुत ही ज़रूरी है इसमें। रेगी लाल मिर्च या कश्मीरी लाल मिर्च आपको जो भी चाहिए वो ले, हमें कलर के लिए यहाँ पे लाल मिर्च लेनी है, तिखाश नहीं करनी है। आप चाहें तो इसमें दो पकी हुई हरी मिर्च डाल सकते हैं जो मैं बाद में डालूँगी। ये जो हमने गरम मसाला पीसा हुआ था मैंने अब डाल दिया है इसके अंदर, रोस्टेड खड़े मसाले जो थे वो पीसे हुए थे और वो मैंने इसमें भी डाल दिया यहाँ पे। फ्राई होने के बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, एकदम ज़रा सा, अब इसमें हम डालेंगे ये हमारे फ्राई किए हुए, इसे हम पहले इसे डालेंगे और बाद में हम एग्प्लांट को डालेंगे, इसे हम अच्छे से लपेटने देंगे और इसके साथ में हम इसे पकने देंगे। इसका जो थोड़ा सा खट्टा खट्टापन है वो इसमें घुस जाएगा। इसमें हमें ना टमाटर की ज़रूरत है, ना किसी दही की ज़रूरत है, ना प्याज, ना लहसुन, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को प्याज लहसुन खाने की आदत होती है, उन्हें ग्रेवी ठीक चाहिए, तो इससे मैंने ये वेरिएशन किया है। आप इसके बगैर भी इसको कर सकते हैं, इतना ही स्वादिष्ट है। और इसमें हम डालेंगे पानी,
थोड़ा सा पानी, कट एंड फोल्ड खिलाएंगे इसे, कट एंड फोल्ड, कट फोल्ड, कट फोल्ड, कट फोल्ड। हम लोग जनरली बेकिंग के आइटम में या केक बनाते समय ये टेक्निक यूज करते हैं, लेकिन जब ऐसी कोई डेलिकेट चीज बनती है तो उसमें भी हम कट और फोल्ड कर लेंगे, हम बिल्कुल उसे हिलाएंगे नहीं ताकि ये पूरा पूरा रहे। अब इसमें हम डाल देंगे हमारे पूरे पूरे एग, हमने डाल दिया। ओके, अब हम इसे देंगे पकने, थोड़ा सा और पानी डालेंगे और इसे हम पकने देंगे। ये रेसिपी जो है ये बिल्कुल सब्जी के साथ लपेटा हुआ मसाला होता है, इसमें रसा नहीं होता है, बिल्कुल लपेटा हुआ, इतना स्वादिष्ट लगता है कि आप चटखारे ले लेके खाएंगे और लोग बहाने मार मार के आपके घर आएंगे खाने के लिए। अभी स्टेज में है तब आप इसमें दो हरी मिर्चें इस तरह से स्लिट करके डालें, बस स्लिट करनी है हमें, इस तरह से हमें बीच में से स्लिट करनी, कोई तोड़नी नहीं है, बस बीच में से वो स्लिट करनी है और इसके अंदर डालें। अगर इसको तीखा खाना है तो वो खा सकते हैं। एक बार मिला लें और बस इसे सिमर होके पकने दें। ये आपकी स्टार रेसिपी हो गई तैयार, क्वींस विद एगप्लांट। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। प्रिपरेशन टाइम अगर आपके पास सब कुछ रेडी है तो ओनली 7 मिनट्स और कुकिंग टाइम 10 मिनट्स, इससे ज़्यादा नहीं। इस तरह से लपेटी हुई सब्जी है, आप इसे राइस के साथ खाएं, आप इसे रोटी के साथ खाएं, परोठे के साथ खाएं, किसी के साथ भी खाएं, ये आपकी मर्जी है। मैं क्वींस का खट्टापन, बैंगन का तूरापन, मिर्ची का तीखापन और लालाश जो है वो आई है इसमें। जो थोड़ा सा कम लाल कलर है वो है बिकॉज ऑफ आयरन का मैंने जो यूज़ किया है पॉट। अगर आप इसको स्टील में करते हैं या किसी और बर्तन में करते हैं तो पूरा सा लाल कलर होके आएगा, क्योंकि हमने इसमें देगी मिर्च यूज़ की हुई है। तो खाइए, बनाइए और खिलाइए भी सबको, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंस्टाग्राम पे हमें टैग करिए आप और बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू सो मच। रेसिपी कैसी लगी आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और हम इसके फ्यूचर वेरिएशंस भी आपको यहाँ पे बताएंगे। आप भी अपने वेरिएशंस हमें बताइए और हम उसको बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। हैव अ नाइस डे।